ग्लास ब्रिज, बिहार की खूबसूरती को। बिहार देखिए, हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम इसी में जाएंगे। नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है यार, ग्लास ब्रिज देखने नहीं दिया जाएगा क्योंकि टिकट फुल है। मुझे ग्लास ब्रिज का टिकट मिल चुका है। सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में। बाकी आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी और राजगीर ग्लास ब्रिज का टूर। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, चलते हैं, टिकट लेते हैं और करते हैं इस जर्नी की स्टार्ट। तो यार चलिए चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं। और आज मतलब मैं इतना खुश हूँ ना भाई कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि यार मैं राजगीर ग्लास ब्रिज और राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी करने के लिए जा रहा हूँ और आप सभी को भी कराऊँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, चलते हैं और टिकट लेते हैं और घूमते हैं, पूरा राजगीर का टूर करते हैं, आप सभी को भी कराएँगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी को देना चाहता हूं कि अगर आप भी ग्लास ब्रिज घूमने का प्लान बना रहे हैं तो संडे और सैटरडे को अगर आना होगा तो पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करके आइएगा, नहीं तो आपको ग्लास ब्रिज देखने नहीं दिया जाएगा क्योंकि टिकट फुल रहता है। अभी मेरे साथ भी वही हुआ, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मतलब मुझे अंदर जाने के लिए बोला गया है। देखते हैं, अभी बोले हैं कि हाँ 5 नंबर काउंटर से आपको टिकट मिल जाएगा ग्लास ब्रिज का, हम फ़ोन कर देते हैं, अभी देखते हैं वहाँ जाते हैं तो क्या होता है। बाकी अगर आप भी आइएगा तो बाकी दिन उतना भीड़ नहीं रहता है लेकिन सैटरडे और संडे के दिन काफ़ी भीड़ होने के कारण आपको हो सकता है कि ग्लास ब्रिज का टिकट ना मिले, इसलिए इस चीज़ की जानकारी आप पहले से ले लीजिएगा, नहीं तो अगर आना होगा तो एक दिन या फिर दो दिन पहले आप अपना टिकट बना लीजिएगा। खुशी को दिन भाई, मुझे ग्लास ब्रिज का टिकट मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ पहले ग्लास ब्रिज को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद भी देखने के लिए और आप सभी को भी दिखाने के लिए। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, चलते हैं पहले ग्लास ब्रिज को घूमते हैं उसके बाद वाइल्ड लाइफ सफारी को घूमेंगे। चलिए देखिए, हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम इसी में जाएंगे राजगीर ग्लास ब्रिज घूमने के लिए। चलिए चलते हैं। तो हेलो जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्लास ब्रिज देखने के लिए, अभी जा रहे हैं बस कुछ ही दूर और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ग्लास ब्रिज के पास। चलिए चलते हैं, देखते हैं ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लेकिन अंदर से यार एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक तो पहली बात कि टिकट नहीं मिल रहा था, और आपको बता दूं कि हाँ मुझे टिकट मिल चुका है और मैं आ गया हूँ अंदर देखने के लिए। आपको अगर जो वाइल्ड लाइफ सफारी और ग्लास ब्रिज दोनों देखना है तो आपको यहाँ पर लगभग मतलब आपके 650 रुपये खर्च होंगे, उससे ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। बस पहुँचने ही वाले हैं ग्लास ब्रिज के ऊपर, चलिए चलते हैं। ग्लास ब्रिज को देखने के लिए देख लीजिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, लगभग 1-1 घंटे से लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम भी लाइन में लगे ही हैं, देख रहे हैं हमारी बारी कब आती है।
सो यार फाइनली इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और ये चेक करिए आप अब बिहार की खूबसूरती राजगीर का ग्लास ब्रिज। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बना हुआ एक खूबसूरत सा ब्रिज। वाओ यार खेते रहो चलते रहो आगे जाओ ग्लास स्काई वॉक पर बैठना लेटना दौड़ना कूदना फानना सकना। क्या खूबसूरत मतलब यार ब्यूटी लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता यार कितना खुशी हो रहा है इस ब्रिज को देखकर। ये चेक करिए आप, वाओ वो यार मतलब क्या ही खूबसूरत व्यू है यार। ओहो ओ माय गॉड ओ माय यार भाई नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है यार, नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है यार। ये देखो यार ये चेक करो आप, नीचे देखने से डर लग रहा है भाई। ये चेक करिए देखिए भाई बिहार की ब्यूटी बिहार की खूबसूरती को, खूबसूरत खूबसूरत वादियों के बीच बना है खूबसूरत सा ग्लास ब्रिज। ये चेक करिए आप और थोड़ा पीछे, मतलब यार मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर आइए ग्लास ब्रिज को घूमने के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना खुशी हो रहा है मुझे इस ब्रिज पे आकर। आप भी आइए एक बार जरूर और ग्लास ब्रिज को जरूर घूमिएगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चेक करिए आप पूरा एकदम खूबसूरत वादियों के बीच बना हुआ एक खूबसूरत सा ब्रिज, क्या ही मतलब सुंदर लग रहा है। नीचे देखने से भाई बहुत डर लग रहा है, एक तो बात है नीचे देखने से ऐसा लग रहा है कि ब्रिज सस्पेंस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए बढ़ते मतलब खूबसूरती को आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा एकदम माउंटेन्स। भैया बहुत खूबसूरत भाई बहुत खूबसूरत। पीछे बढ़ते रहिए पीछे बढ़ाओ बंटी। मैं आप सबसे कहूंगा कि हाँ अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर आइए ग्लास ब्रिज को घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसकी खूबसूरती को बयां नहीं कर सकता हूँ, इतना खूबसूरत है ये ग्लास ब्रिज। अपना बिहार की खूबसूरती, अपने राजगीर की खूबसूरती, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत ग्लास ब्रिज। बाकी चलिए अब थोड़ा फोटो खिंचवा लेते हैं एक दो। तो फाइनली अब फोटो वोटो खिंचा गया है, अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि इस ब्रिज पे 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रुकना है। चलिए आपको सस्पेंशन ब्रिज दिखाता हूँ, देख लीजिए ग्लास ब्रिज बिहार की खूबसूरती को, बिहार में बना एक खूबसूरत सा ग्लास ब्रिज। चारों तरफ एकदम खूबसूरती ही खूबसूरती है। बाकी अभी सस्पेंशन ब्रिज पे भी जाना है, चलिए सस्पेंशन ब्रिज पे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज की ओर, चलिए सीधा मिलते हैं आपसे सस्पेंशन ब्रिज पे। देखिए ये है दो खूबसूरत पहाड़ों के बीच बना एक डेंजर्स सस्पेंशन ब्रिज,
इसको डेंजरस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये ग्लास ब्रिज से भी मुझे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये चेक करिए आप बिहार की खूबसूरती को। ओ यार बहुत ज़्यादा सस्पेंस कर रहा है, तो ये तो ग्लास ब्रिज से भी खतरनाक लग रहा है। देख लीजिए भाई साहब यही सस्पेंशन ब्रिज राजगीर का। बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस कर रहा है। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हाँ अगर आप सभी को मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए राजगीर घूमने के लिए। राजगीर में घूमने के लिए बहुत सारी वो यार भाई बहुत ज़्यादा सस्पेंस कर रहा है। ये तो ग्लास ब्रिज से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और डर भी लग रहा है इस पर ज़्यादा। वो अंकल हिला रहे हैं जोर जोर से। देखिए और ये है ग्लास ब्रिज, देखिए सामने दिख रहा होगा, पता ना कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लीजिए खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के बीच बना सस्पेंशन ब्रिज। भाई कुछ कहना चाहोगे इस सस्पेंशन ब्रिज के बारे में? फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वैसे ड्यूटी के टाइम ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, जो मिला हाँ। उसका पूरा एकदम इस्तेमाल कर लिए और हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया का चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना और आप भी जल्दी राजगीर आइए। राजगीर से हाँ। अच्छा जगह कोई नहीं है बिहार में। बिहार जल्दी राजगीर आइए, ग्लास ब्रिज घूमिए, सस्पेंशन ब्रिज घूमिए, बहुत मजा आएगा आपको। बिहार की खूबसूरती है भाई। आप भाई आप क्या कहना चाहिएगा? हम भी ऐसे तो नॉर्मली डेज में ट्रैवल करने आना हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इस बार आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। इन ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और भी राजगीर में बहुत सारा जगह है, आप लोग भी जरूर रहिए और भैया के चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भाई। आ गया हूँ सस्पेंशन ब्रिज के थोड़ा साइड में और इसके नीचे से आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये चेक करिए आप, पूरा एकदम खूबसूरत वादियों के बीच बना ये खूबसूरत सा सस्पेंशन ब्रिज, कितना लंबा। और वो रहा बहुत दूर ग्लास ब्रिज। बाकी चलिए एंजॉय कीजिए आप इस वीडियो को। दूध के लिए हमारे जाए।